हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? बेटा मेरी ना अभी कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों से बात चल रही थी और मैं बात कर रहा था और कई सारे बच्चे थे जिन्होंने ये बोला कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स से मैं रह गया, ये इतने मेरे मार्क्स हैं, 300 हैं, 400 हैं, इतने मार्क्स हैं। सर ये रीज़न था नहीं आने का, मेरी फिजिक्स कमज़ोर थी, मेरी केमिस्ट्री में कंसेप्ट इंक्रीज़ नहीं हुए। सर आपने बायो में थोड़ा डीपली पढ़ा दिया, NCERT या सिर्फ NCERT कराते तो हो जाता। तो ये जितने भी एक्सक्यूजेज मैं सुन रहा था ना, इतने दिनों से एक्सक्यूज सुन के मेरे को लगा यार मेरे अंदर कोई कमी है, टीचर्स के अंदर कमी है, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो फाइनली इस बच्चे का जब वीडियो रिकॉर्ड किया ना आज, इस बच्चे ने पोल खोल कर रख दिए तुम सभी की, जो सिर्फ एक्सक्यूज देते रहते। तुम्हारा काम है सिर्फ एक्सक्यूज देना, है ना, एक्सक्यूज देते रहते हो, जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं करी। ये भी एक बच्चा है जिसको अभी तुम सुनोगे और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को सुनने के बाद भी नेगेटिव अप्रोच रखेंगे, रखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चे जब तक मिलते रहेंगे ना मुझे, मैं इनके साथ मेहनत करता रहूंगा, रिजल्ट निकालता रहूंगा। और तुम जितनी भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है फैलाते रहो, क्योंकि असलियत में जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, वो एक्सक्यूज नहीं देगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि हां ये मेरी गलती है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं या तो ड्रॉप कर रहा हूं, मैं कोई दूसरी स्ट्रीम में जाऊंगा, या मैं फिर से वापस से नीट की प्रिपरेशन करूंगा। तो एक्सक्यूज देना बंद करो और एक्सेप्ट करो कि हां मैं इस साल फेल हुआ हूं और मैं फिर से मेहनत करूंगा, और इस बच्चे की तरह जो अभी आप देखने वाले हो उसके जितनी मैं मेहनत करूंगा और नंबर लेकर आऊंगा, रैंक प्रोड्यूस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि वो लोग जिनको लगता होगा कि ये बच्चा फेक है ना, ये डमी बच्चा है, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, चलो मान लिया आपकी बात कि ये बच्चा फेक हो सकता है, इसकी मदर तो फेक नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो पूरा वीडियो देखना, फिर उसके बाद डिसाइड करना, फिर उसके बाद कमेंट करना, ठीक है? पंकज क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? सब बढ़िया है सर जी। बढ़िया है, और कैसा लग रहा है अब फाइनली? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा आपके? वही 629 के आसपास आ रहे हैं सर जी, प्लस माइनस हो सकता है 5-10 ऐसे कुछ। ठीक है, क्या ड्रॉप किया था तुमने और ये डिसीजन लिया था नीट क्रैक करने का? मतलब सर समझ नहीं आया। मतलब तुम्हें कैसे पता लगा था नीट के बारे में, सबसे पहले किस तरीके से पता लगे था और क्यों तुमने, जैसा मेरे को देखो कहानी पता है और बच्चों को नहीं पता है, तो उन दूसरे बच्चों को भी बताना जरूरी है ना। आपने BSc में एडमिशन लिया था और फिर वो ड्रॉप करके आपने नीट का सोचा था, है ना? नहीं सर, पहले ना 12th में आउट किया था, उसके बाद 12th के बाद आपसे जुड़ा, फिर एक बार में नहीं हुआ, मेरे 472 कुछ आ रहे थे, उसके बाद मैंने सोचा मैंने BSc में डाल दिया, फिर सोचा एक बार और ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर निकाला, मतलब TC निकाल ली, उसके बाद फिर से ड्रॉप लिया, तब अब जब किया तो इतना आया। अच्छा, तो मतलब BSc मतलब सोचा था, मन में आया था ना विचार कि मैं ड्रॉप BSc के साथ साथ ड्रॉप ले लेता हूँ, ऐसा भी मन में आया था? ऐसा कुछ मन में आया था, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर ड्रॉप लिया मैंने। बहुत सही किया, क्योंकि कई बच्चे यही सोचते कि मैं BSc में भी एडमिशन ले लेता हूं और साथ में जो है ड्रॉप भी कर लेता हूं, है ना? हाँ सर, वो कुछ बोल रहे थे ना, वो कुछ लोग बोल रहे थे, तो मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर विचार किया कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मैं एक बार लेता हूं लेकिन फिर अच्छे से करता हूं, ऐसा करके मैंने ड्रॉप लिया। अच्छा, दूसरी बात, ये वीडियोस कई बच्चे देखने वाले हैं ना, कई लोग देखेंगे, और आप लोग को पता ही है कि नेगेटिव लोग भी हर जगह होते हैं, है ना? क्योंकि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहां पर नेगेटिविटी कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करती है उनको। वो लोग ये बोलेंगे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये डाउटनेट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, या ये हिंदी मीडियम का नहीं होएगा, पॉसिबिलिटी यही होती है। तो मतलब इन बच्चों को ये क्लियर कर दो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए थे आरंभ बैच में। हाँ सर, जुड़े था मैं, है ना? और मैं इनको प्रूफ के तौर पर ऐसे बच्चों को ये भी बता दूं कि मेरे साथ ये टेलीग्राम पर भी जुड़ा हुआ था, आपने क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे, है ना? और एक साल नहीं सर, पूरे 2 साल जुड़ा था मैं आपसे। ठीक है, और आरंभ बैच में एडमिशन था आपका? हाँ सर। ठीक है, और हिंदी मीडियम से आप बिलोंग करते हो, इंग्लिश मीडियम से? नहीं, हिंदी मीडियम से और OBC से हूँ सर। बहुत ही बढ़िया। ये कई बच्चों के मन में ये विचार आता है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? मतलब
पता नहीं, जब भी हर साल जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चे यही क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम से बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं। तुम्हें, तुम्हारे मन में भी ऐसा आया था स्टार्टिंग में? नहीं सर, मैंने तो सोच ही लिया था कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, मुझे करना है मतलब करना है, बहुत उसमें बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ड्यूरिंग आरंभ बैच कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे, कई सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे बीच में ड्रॉप आउट लिया था उन्होंने, और बाद में एलन की फैकल्टीज आई थी। कैसा पढ़ा उन्होंने आपको, कैसा लगा सर था? उनका भी पढ़ाना बहुत अच्छा लगा था और बहुत ही अच्छा लगा था, अब क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा था। अच्छा था ना, मतलब आपके आपके डिस आपके मतलब पूरे शहर में आप पहले, या आपकी फैमिली में आप पहले डॉक्टर होंगे? हाँ सर, मैं फैमिली में मतलब डॉक्टर तो है लेकिन पहला मतलब MBBS डॉक्टर से बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, कैसी फीलिंग, कैसी आ रही है? सर वैसे तो बहुत अच्छा आ रहा है और रिजल्ट आएगा ना तब तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आऊंगा इस बार, इस बार मैं मैडम जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा जहां जहां बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और है, उस लिंक पर वो बच्चे जो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट में नहीं थे, जो मेरे साथ आरंभ बैच में जुड़े हुए थे, पंकज की कहानी सुनने के बाद आपको ये भी लगेगा कि आपको भी मेरे साथ में दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक करके बता सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आप भी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ओके पंकज, अब मुझे ये बताओ, और भी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए है, ये इस चीज को हम कैसे कैटर कर सकते हैं? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? सर मैंने तो मतलब पढ़ाई की थी लेकिन वही 9 घंटे को छोड़ दो उसके बाद पूरे दिन भर पढ़ाई करता था मैं। अच्छा अच्छा पंकज, एक और चीज मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, आप मेरे साथ पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, यानी जो पिछले आरंभ से भी पहले आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो पिछले आरंभ में आपने ऑब्वियसली बात है दोनों साल मेरे से पढ़ा, तो कौन से ईयर में आपको ज्यादा लगा कि टीचर ने ज्यादा मेहनत करी है? सर अभी जो 2024 वाला आया था ना उसमें बहुत अच्छा लगा, उसमें लगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और डीपली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लगा। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेते कुछ भी डीप में नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी डीप में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है कि मैं ना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ऐसा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो रट्टा लगा लो, ऐसा तो नहीं है? एनसीईआरटी रट कर भी क्या कर लेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे भी सर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था वो नहीं, मुझसे ज्यादा तो मुझे पेपर में तब याद आया जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो ज्यादा याद आया मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज में लेकर आया था वो अटेंड करी थी आपने? हाँ सर वो भी किया था, बस सर जो आपने बहुत सारा पीडीएफ दिया था ना वो नहीं कर पाया था सर जी। कोई बात नहीं। पंकज, बुक्स कौन सी आपके हिसाब से सही रहेगी अगर सर? मैंने तो कुछ भी बुक नहीं लिया, बस आपने जो क्वेश्चन दिया वो लिया और बस एनसीईआरटी बस देखा था सर। एनसीईआरटी और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सफिशिएंट, बस इतना ही बस देखा था। दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब मजे आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से जब सिलेक्शन होता है ना तो दिल बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक होता है ना कि वर्ड्स नहीं होते हैं, आ नहीं पाते हैं, क्या मैं पूछूं, क्या मैं दूसरे बच्चों को बताऊं, जैसे एक मकसद के साथ में चले थे है ना, वो पूरा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है हर साल, अच्छा लग रहा है पंकज। और बताओ पंकज, और क्या सर? हाँ, ड्रीम कॉलेज कौन सा था आपका, पहले तो ये बताओ। सर मैंने तो सोचा था कि मैं एम्स में ही जाऊं वो भी दिल्ली वाले में, फिर भी पता नहीं कैसे सर कम ही आ गया, पता नहीं मेहनत तो की थी पर पता नहीं कैसे हो गया। कोई नहीं पंकज, कई बार क्या होता है ना पंकज, कई ऐसे बच्चे भी मैंने देखे, मेरे खुद के रिलेटिव्स में है, मेरा खुद का कजन है जिसने MBBS किया, एक दूसरे कॉलेज से किया, और फिर उसके बाद करने के बाद में, फिर उसके बाद जो नीट पीजी का जो एग्जाम होता है ना वो क्रैक करने के बाद में वो एम्स दिल्ली में कर रहा है वो अपनी पीजी। तो ऐसा नहीं है, है ना, और इसके कई लोगों ने ये वीडियोस भी बनाई है, इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स ने भी ये वीडियोस बनाई है कि आप पहले मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ले लीजिए, उसके बाद में आप एम्स में, अगर आपका नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि आपका बाद में नहीं हो सकता, आप बाद में भी बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, एम्स दिल्ली जा सकते हैं, दूसरे एम्स में भी जा सकते हैं, है ना। हाँ, सो फाइनली मुझे अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मेडिसिन रिकमेंड करोगे ना? यस सर, क्यों नहीं सर।
अच्छा हो कहाँ से ये भी बता दो एक बार, माफ करना मैं बहुत ही एक्साइटेड था, मैं पूछना भूल गया। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हो। अभी आपके बैकग्राउंड जहां पर आप पढ़ते हो वहां की कुछ इमेजेस दिखा सकते हो, स्टडी टेबल या कुछ इस तरीके से है आसपास? हाँ सर मैं तो पूरा सफाई कर डाली सर जी, दिखाओ। लेकिन कुछ कुछ है दिखा देता हूँ। ये सर ठीक मैंने कुछ चिपकाए थे यहाँ पर, है। और सामने में तो ये लिखा था, एम्स, और एम्स दिख रहा है मुझे। बस हाँ, और बहुत सारी किताबें सर, मतलब पूरे ये जो आपने पूरे नोट से बनाए थे वो है, सही और है, ये मेरी एनसीईआरटी बुक पूरा हाईलाइटेड, सही है, सही है, सही है, सही है। और तो बस सर मैं फिजिक्स वगैरह में फार्मूला शीट बनाई थी, वो पूरा यहाँ पर ही पूरा फार्मूला शीट था, ये थे। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है पंकज आपके, एक बार मुझे बताइएगा। वो सर मम्मी पापा हैं और एक छोटा भाई क्या कर रहा है, छोटा भाई क्या कर रहा है? है। अभी सर 10th का एग्जाम दिया था तो 89% आया उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं आपके? सर वैसे तो पिताजी भी डॉक्टर है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 12वीं के बाद ही थोड़ा सा किया था, और वैसे तो कृषि करते हैं। बहुत बढ़िया, सही है। ओके क्या लगता है कि पूरी फैमिली में दूसरा डॉक्टर भी बनेगा आपका भाई भी? उसको गाइड तो करोगे ना अच्छे से? हाँ सर उसको गाइड बहुत करता हूँ सर, समझने की कोशिश नहीं करता वो। अभी कोई बात नहीं, अभी 10th क्लास में, अभी 11th में, अभी 11th में इस साल आएगा ना, हाँ, ये भी है हो ना। गया, बस बस 10th का हो बस, गया। मतलब अब सीरियसली उसको सीरियसली बताना कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। जो आपने जो मिस्टेक्स करी होंगी, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी मिस्टेक्स थी, इसको मैं इस तरीके से सॉर्ट आउट किया है बाद में, मेरा भाई जो है वो फर्स्ट में ही, उसको मतलब चांस ही ना मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो निकल जाए, ठीक है ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा पंकज, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आपको लगता है कि वो नीट क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल कर अगर? सकते सर, जब लगन होना चाहिए बस, कि हाँ पाना है तो पाना है, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर जी। ठीक है। और टीचर्स कैसे थे, बढ़िया एकदम? हाँ सर टीचर भी बहुत अच्छे सही थे, है, बाद में भी आए वो भी अच्छे थे, पहले भी थे वो भी अच्छे थे। वेल डन। टीचर्स देखो सारे ही अच्छे होते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना उससे नॉलेज ले पा रहे हैं ना। हाँ और कुछ कहना चाहते हो बच्चों को? हाँ सर यही बोलना चाहता हूँ कि बदलाव तो होते रहेंगे, लेकिन उनको हमको उन बदलाव के साथ साथ अपने को भी चेंज लाना होगा और अच्छे से समझना होगा बस। तुमने डार्विनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैं कह क्यों रहा हूं तुमने डार्विनवाद बहुत अच्छे से पढ़ा। सर? हाँ ठीक, समझ गया। सही है, सही है, सही है। चलो पंकज, बस लास्ट में एक, इन बच्चों को ये बोल, अगर इनको इनको लगता है, आपको लगता है कि आरंभ बैच अगर इनके सिलेक्शन के लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इनको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है, उसको जो बेस्ट लगता है उसको वहां से ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पंकज इन सब बच्चों को बोलो कि मेरे साथ जुड़े, जो इनको बेस्ट लगे वो करना चाहिए। बस सेलेक्ट होकर दिखाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, है ना, हाँ ये सर यही रहता बस। है। चलो पंकज, अभी है कोई फैमिली में, है मम्मी पापा? हाँ सर मम्मी है ना। एक बार बात करा दो। ओके सर। हेलो। नमस्ते, हाँ नमस्ते सर। कैसा लग रहा है आपको, आपके घर में, परिवार में अब एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में जाने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है? बहुत अच्छा लगा सर, पहले से हमको पता था हमारा बेटा एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा तो ठीक है, अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर लीजिए, उसको भी जाना है अब मेडिकल कॉलेज में अब। वो तो अभी 10वीं में है सर। हाँ बस 11वीं से ही स्टार्ट कर देगा वो पढ़ाई, अब 11th क्लास से ही स्टार्ट कर देनी है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ सर आपको भी, आपने जो मेहनत करके पढ़ाया है उसका नतीजा है। मेरे से ज्यादा मेहनत इस बच्चे ने करी है, जो बीएससी ड्रॉप आउट करके, बीएससी छोड़कर पूरा उसने, और सबसे बड़ा थैंक्स आपको, धन्यवाद आपको कि आपने बच्चे का साथ दिया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का साथ ही नहीं देते, स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के, है ना। तो हाँ थैंक यू सो मच आपका भी, थैंक जी सर, थैंक यू। यू। ठीक है बेटा, ठीक है सर जी। ऑल द वेरी बेस्ट।
है ना, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना और ऊंचाइयों तक जाना और अच्छा बनना, ठीक है? ठीक है। और लास्ट में बस एक ही चीज, ईमानदार जरूर रहना अपने प्रोफेशन के लिए। हाँ सर, मैं तो पहले ही सोचते रखा हूँ सर जी कि कुछ बनू या ना बनू, अच्छा इंसान जरूर बन के दिखाऊंगा। बस बस बस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। थैंक यू।